नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के जदयू दफ्तर में और आज जेडीयू के दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का संपन्न जो है वो समापन हो गया है और आज जो है जदयू को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आरसीपी सिंह जो है अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है उनका नाम आगे रखा और सब ने उन्हें समर्थन दिया और अब जाकर वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन इससे पूर्व केसी त्यागी जो कि जदयू के नेता हैं उन्होंने और पार्टी के महासचिव भी हैं, उन्होंने आज जदयू कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के संपन्न होने के बाद आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से 6 विधायक जो हैं बीजेपी में जा मिले जदयू के, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप सुनिएगा। और इस वीडियो में आप सुनिए किस तरीके से केसी त्यागी जो है आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करें, क्योंकि इस दो दिवसीय बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी देश भर में तमाम जगह से जहां भी जदयू के नेता हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग आज दो दिन से पटना के जदयू दफ्तर में जो है बैठक चल रही थी। कर्पूरी सभागार आप देख सकते हैं मेरे पीछे और अभी इसके अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो भी मौजूद हैं और अंदर में जदयू के बड़े नेता भी हैं, साथ ही साथ उनसे उनका विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इससे पूर्व आपको बता दें कि आज जो है जदयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है आरसीपी सिंह के नाम पे। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जो है बेहद करीबी भी माने जाते हैं नीतीश कुमार के और आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम जो है फाइनल हो गया। इससे पूर्व जो है केसी त्यागी ने अभी जो है अभी जदयू के दफ्तर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी आप भी सुनिए। दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है। श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, इसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी की ओर कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं। तो सुना आपने, केसी त्यागी जदयू के नेता हैं, जदयू के महासचिव हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन के बाद आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और क्या कुछ कहा आपने सुना खुद इस वीडियो में। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।